कुछ भी नहीं लग रही। अरे रुक, गौर से देखो इस शख्स को, ये कल रात क्या पहचानो कौन है, हो? पहचानो इस शख्स को कौन है। और इस शख्स को तो हर कोई जानता है। लो रबड़ तो बन रहा है हमारा मंदिर का ड्रेस, ये किरण लेके जाएगी, ये किरण के लिए बन रहा है। पकड़ी है जीजा को आज, देख के मंदिर के कपड़े देख के इसका मन ललचा गया। बोले जीजा जी मेरे लिए भी बनाओ। मैं बिठा जीजा दिए से, सुबह सवेरे मशीन में जीजा से को। सीख लूंगी। किरण अगर है तुझे बड़ा लगे तो तू उसको फोल्ड कर लेना, हाँ है ना। भाई के पास मशीन है ना तेरे घर में। ऐसे आसन, ऐसे इधर को भी ऐसे करके और ऐसे आसन भी बन जाएगा। হে বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আমি ভালো আছি। তো আমার বাড়িতে এসেছে অনেক কুটুম্ব, আমার কাকি কাকারা এসেছে, তো কালকে এসেছে রাত্রিরে। আর আমি 2 দিন ব্লগ বানাইনি, কেন না কিছু প্রবলেম ছিল। তো চলো, সকালের টিফিন হয়ে গেছে, রুটি তরকারি, বাঁধা ফুলকপি তরকারি আর রুটি খাওয়া হয়ে গেছে। বাচ্চারা স্কুলে চলে গেছে, স্কুল খুলে গেছে ওদের, ওরা চলে গেছে 2 ভাই বোন। আর এখন দিনে রান্না হবে, বাঁধাকপি নেওয়া হয়েছে, বাঁধাকপি হবে আর হবে চিকেন। তো চিকেনটা কাকি মশলা লাগিয়ে রেখে দিয়েছে, আমি বাঁধাকপিটা কাটছি। আমি আর কিরণ মিলে রান্নাটা করব, ঘরের কাজ পড়ে আছে। সকাল থেকে আড্ডা মারছিলাম, খেয়ে দে চাটা খেয়ে দে। তো এবার একটু চা করছি কাকার জন্যে, কেন কাকা আর জামাই ওনারা একটু চা খেতে পছন্দ করে। তো ওনাদের দুজনের জন্য চাটা করে নিই, করে নিয়ে রান্না করব। তো সবজি টবজি কাটবো। জামাই করেছে আর মাছ আমি করেছি। আর ওইটা কি ওই নাম, চুকুন্দর, চুকুন্দর खाना मेरा बन चुका है, मैं जाऊंगी नहाने। 2 बज चुके हैं और आज मैंने बहुत सारा कुछ, बहुत कुछ बनाया है। तो दाल बनाया है और साग भाजा बनाया है, करेला बॉयल्ड है और फ्राइड राइस, बच्चों के लिए फ्राइड राइस बनाया, क्योंकि वो कुछ सब्जी वब्जी नहीं खाते तो उनके लिए फ्राइड राइस बनाया। और बिजली आ गई है और मैंने मोटर चलाया, क्योंकि पानी की भी बहुत कमी हो रही है, पानी भी नहीं आ रहा है, थोड़ा बर्तन भी पड़े हैं मेरा पानी की वजह से। तो गाइस मेरे नहाना हो गया है, बच्चे अभी तक नहीं आए, बस आने वाले हैं, मेट्रो में हैं, मेट्रो तक जाएंगे नहाने के लिए। और इनको खाना खिला दिया, बस मैं बाकी हूँ, अंधेरा हो रहा है। अभी जाएंगे मेट्रो तक जाएंगे लेने के लिए, फिर जब लेके आएंगे तब एक साथ खाना खाएंगे। तो बस आने ही वाले हैं, 10-15 मिनट में आ जाएंगे।
देखा आज कितना कुछ बना, आज कम से कम 5-6 रकम की चीज़ें बने, थोड़ा थोड़ा बना है लेकिन 5-6 रकम की चीज़ें बन गए। तो चलो देखते हैं अब आने वाले हैं, मैं तब तक खाना टेबल पर रखती हूँ। मेट्रो से उतर गए तो गए हस्बैंड लेने के लिए, बहुत धूप है बहुत धूप है। पता नहीं 2 साल बच्चे घर में थे और अभी स्कूल खुल गया 2 साल बाद, और वही टाइमिंग हो गया है सुबह 8 से 2:30 बजे तक का, और बाहर देख सकते हो इतनी धूप है इतनी गर्मी है। पता नहीं ऐसा लग रहा है कि मई का महीना चल रहा है, अभी अप्रैल का फर्स्ट वीक ही है और इतनी गर्मी है कि पता नहीं बच्चे लोग स्कूल कैसे करेंगे। गवर्नमेंट को छुट्टी दे देना चाहिए क्योंकि इतनी धूप है ना, बच्चे परेशान हो जाएंगे। क्योंकि एक तो 2 साल के बाद एकदम से अचानक से स्कूल ऐसे खुला है तो वो प्रैक्टिस भी नहीं रहा, मतलब धूप में जाना आना बहुत, और इतनी गर्मी है बाहर, और हमारे यहाँ से मेट्रो स्टेशन 10-15 मिनट धूप में तो उनको जाना ही पड़ेगा, फिर स्कूल के वहाँ से भी 10-15 मिनट का रास्ता है पैदल। तो स्कूल से मेट्रो तक आएंगे, फिर मेट्रो से उतर के फिर यहाँ घर की जो है तो वहाँ तक आएंगे। अब उसके पापा गए स्कूटी लेके, लेकिन स्कूटी अब बाबू भी बड़ा हो चुका है, बाबू का ये लास्ट ईयर है, इस महीने उसका फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा। आज उसका स्कूल से पता नहीं कैसे आएगा, कह रहे मम्मी शर्ट मेरा पूरा ये हो गया, सबका सिग्नेचर हो गया है, तो वो शर्ट दूसरा लेना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम के समय तो स्कूल का ड्रेस भी पहन के जाना पड़ेगा, तो इसलिए फिर उसका नया शर्ट लेना पड़ेगा। और अभी बस आता होगा तो देखती हूँ क्या हाल हो रखा है उसके कमीज़ का। जब तक वो लोग आते हैं तब तक मैं उन लोगों के लिए थोड़ा नींबू पानी बनाती हूँ, क्योंकि इतनी धूप से गर्मी में आएंगे तो। और नींबू इतना महंगा है ना, बाप रे बाप, 300 रुपये किलो नींबू। सोचो कल मैं गई थी सब्जी मंडी सब्जी लेने तो 70 रुपये पाव 80 रुपये पाव ऐसे था, और मार बाजार में तो आग लग रखी है, इतनी महंगी सब्जी हो रखी है कि पूछो ही मत। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें लेके आई हूँ, और थोड़ा गाजर लेके आई हूँ बच्चों के लिए, बीन्स शिमला मिर्च वगैरह लेके आई हूँ, सब थोड़ा थोड़ा ही लाई हूँ। खीरा लेके आई हूँ अभी गर्मी का मौसम में, पर नींबू लेने गई थी लेकिन इतना महंगा नींबू था तो सिर्फ दो ही नींबू लिया 25 रुपये का, सिर्फ दो नींबू वो भी 25 रुपये का। और मेरे नींबू का पेड़ है लेकिन उसमें पता नहीं फूल भी नहीं हो रहा नींबू भी नहीं हो रहा, बहुत पुराना है नहीं हो रहा पता नहीं। और मैं अब थोड़ी लेटूंगी क्योंकि मैं सुबह से उठी हूँ, मेरी कमर ज़्यादा देर तक करती थी, मेरा कमर बहुत दुख रहा। अभी बच्चे आएंगे नहाएंगे धोएंगे फिर उनको खाना वाना दूंगी, 4 बज जाएगा, 2:45 हो गया, 2:45 से ज़्यादा ही हो गया। जब तक घर नहीं आते हैं ना रास्ता ही देखती रहती हूँ मैं। सबसे ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही है कितना धूप है, धूप में बच्चे कैसे आएंगे। और बैग, बाप रे, अनुष्का का बैग तो किताबें लेके, उसका बैग कम से कम 20-25 किलो का सिर्फ उसका बैग का भारीपन है। तो वही है, स्कूल खुला है तो स्कूल करना ही पड़ेगा, अभी समर का छुट्टी पड़ जाएगा, अभी इसी महीने लास्ट तक पड़ जाता है, इस महीने नहीं है मई में पड़ेगा, मई, हाँ मई में पड़ता है, वहीं फिर जून जुलाई में खुलेगा, जून पूरा महीना एक महीना छुट्टी रहता है। तो चलो देखते आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स रात का भी खाना पीना हो गया है और अब जब सब जा रहे हैं सोने के लिए, क्योंकि सुबह के उठे हुए टाइम से नहीं सोंगी तो फिर सब टाइम से कल उठ नहीं पाऊँगी, फिर सुबह उठना है। और दिन का जो बचा गुचा खाना था वही खाएं, बस रोटी बनाया था, सबका हो गया खाना पीना, अब सोने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक की, कल फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट जरूर कीजिए, और हाँ बेल टंग दबाते हुए जाना। तो चलो फ्रेंड्स कल मिलती हूँ, तब तक के लिए।